हेलो फ्रेंड्स, मैं रविराठर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग देख रहे हैं हमारी वीडियो नंबर 99, जिसमें आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो यूट्यूब की अर्निंग है वो पूरी समझ लीजिए पूरी की पूरी डाउन हो चुकी है। और अमेजोन का जो एफिलेटिंग अर्निंग थी, जहाँ आप एफिलेट मार्केटिंग कर अर्निंग करते थे, वो पूरा का पूरा स्टॉप कर दिया गया, यानी उसे डाउन नहीं किया गया, उसे पूरा स्टॉप कर दिया। क्या कारण है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग ये जानते ही होंगे कि पूरी दुनिया एक महामारी का शिकार हो चुकी है, जिसका नाम है कोरोना वायरस। हर एक चीज़ जो कि इंसान से रिलेटेड है, इस पर इसका असर पड़ रहा है, सभी चीज़ों पर इसका असर पड़ रहा है। तो इंसान की ज़रूरतों की चीज़ों से लेकर इंटरनेट तक पर भी इसका असर पड़ रहा है। जैसे कि बात की जाए यूट्यूब की, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यूट्यूब की अर्निंग है वो डाउन हो चुकी है, और अमेजोन की जो एफिलेट अर्निंग है उसे तो स्टॉप कर दिया गया है, वो भी 24 मार्च से। ठीक है, तो पहले यूट्यूब से स्टार्ट करते हैं। तो YouTube पर इसकी अर्निंग डाउन होने का कारण ये है कि YouTube पर जो वीडियोस है उन पर जो एड्स आते थे उन्हें कम कर दिया गया है। ठीक है, जो YouTube के एम्प्लॉयज़ है उन्होंने आपस में सलाह और मशवरा करके वहाँ पर जो YouTube की वीडियोस है उन पर एड्स को कम किया है, यानी कि जो ज़्यादा ट्रैफिक वाली वीडियो होती है उन पर एड्स को कम कर दिया गया है। तो अगर आप यूट्यूब से अर्निंग करते थे $100 पर मंथ, तो अब आपके खाते में आएंगे $20 से $25, यानी 75 से 80% की जो यूट्यूब अर्निंग है उसे डाउन कर दिया गया है। तो यही कारण है कि यूट्यूब पर जो वीडियोस होती हैं उन पर एड्स कम हो चुके, मल्टीपल एड्स को भी कम कर दिया गया है, और जो सारी वीडियोस पर एड्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाते थे उन्हें डाउन कर दिया, और ऐसे एड्स जो कि कम अर्निंग वाले हैं उन्हें वीडियोस पर स्टार्ट कर दिया गया है। तो यूट्यूब की अर्निंग डाउन होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वहाँ पर एड्स की कमी हो गई है, और कम से कम या रेट वाले जो एड्स हैं उन्हें वीडियोस पर लागू कर दिया गया है। तो यूट्यूब की अर्निंग 75 से 80% डाउन हो चुकी है। अभी देखते हैं कब तक ये सिलसिला रहेगा, जैसे भी कोई अपडेट आता है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बात करते हैं अमेजोन की। तो अमेजोन की जो एफिलेट अर्निंग है उसे तो फुल्ली स्टॉप कर दिया गया है, वो भी 24 मार्च से। ठीक है, और जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उसे ऑफलाइन कर दिया गया, यानी कि अभी ऑनलाइन अभी आप कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि जो डिलीवरी बॉय है वो कोरोना वायरस जिसके कारण पूरे देश भर में लॉकडाउन कर दिया गया है, तो कोई भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई है। सरकार का ये नियम है कि अपने अपने घरों में रहें, तो जो डिलीवरी बॉय है उन्हें भी अपने अपने घर पर ही रहना होगा सरकार के नियमों का पालन करने के अनुसार। तो अमेजोन के जो सारे प्रोडक्ट है उसे ऑफलाइन कर दिया गया। अब आप किसी को लिंक बनाकर सेंड भी करेंगे तो कोई भी उसे परचेस क्यों करेगा, क्योंकि अभी तो सारे डिलीवरी बॉय हैं वो छुट्टी पर हैं, यानी कि किसी प्रकार के कोई प्रोडक्ट की कोई डिलीवरी नहीं होगी। सभी लोगों से ये अनुरोध किया गया है कि आप अपने घरों पर रहें। सभी जो अर्ध सरकारी कार्य हैं उन्हें भी स्टॉप कर दिया गया है। गिने चुने कुछ ऐसे वर्क हैं जो कि चालू हैं, जैसे बैंक हुआ और अस्पताल हुआ, ऐसे ऐसे संस्था जो कि चालू है, बाकी सभी संस्थाओं को बंद कर दिया गया। इसी के कारण जो अमेजोन की एफिलिएट अर्निंग है उसे तो फुली स्टॉप कर दिया गया है। बात की जाए यूट्यूब की, तो इस पर अपडेट आ सकता है, कब आएगा ये अभी कोई निश्चित तारीख इसकी तय की नहीं गई, क्योंकि ये जो किया गया है अनिश्चितकालीन समय के लिए किया गया है। दोनों ही जगह पर अगर कोई अपडेट आता है तो आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल अभी तो आप सभी लोग अपने घरों पर रहें और जो सरकार का नियम है उसका पालन करें, कोरोना वायरस से आप सभी लोग बचे रहें, यही सरकार चाहती है अपने देश में, क्योंकि सबसे कम इस वायरस के लक्षण देखे गए हैं। तो सभी से हमारा भी निवेदन है कि अपने अपने घरों में रहें और बाहर निकले ना, अगर ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, अगर कोई अच्छा कारण हो आपके पास बाहर निकलने का तो ही आप वहां जाएं, क्योंकि बाहर आपसे पुलिस अगर पूछताछ करती है तो आप उन्हें बता सके। ठीक है, तो फिर से निवेदन करते हैं कि आप अपने अपने घरों पर रहें और सरकार के नियमों का पालन करें। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल वीडियो में इतना ही, बाय।